गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने इंग्लिश में चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर सी तक हमने सॉल्व किया था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर डी से करेंगे ग्रामर इसकी। देखिए क्वेश्चन नंबर सी वाला, डी वाला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक राइट द करेक्ट आंसर्स। हमें सही वाले पर क्या करना है, राइट टिक करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, हु वॉज कमिंग बैक होम, हु वॉज कमिंग बैक होम, कौन घर वापस आता है। ऑप्शन में दे रखा है ए वाला मालती, बी वाला दे रखा है अभिक, एंड सी वाला दे रखा है सरोज, और डी वाला अंजू। तो जो बी वाला ऑप्शन है आपका अभिक, ये वाला आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको इस पर राइट लगाना है। सेकंड देखिए, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी अभिक कम्प्लीट हिज मास्टर। अब अभिक ने अपनी मास्टर डिग्री जो है कॉलेज की, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट की थी। तो ऑप्शन में दे रखा है आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस्मेनिया यूनिवर्सिटी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी अली। तो इसमें क्या आ जाएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ जाएगा, ठीक है। उसने कहाँ से की थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कंप्लीट की थी। सी वाला देखिए, हु वॉज रेस्टलेस एंड वॉच्ड द टाइम सेवरल टाइम। अब कौन घड़ी को देख रहा था बहुत समय से, तो क्या आ जाएगा इसमें, सॉरी ऑप्शंस दे रखे आपको, फर्स्ट वाला अभिक है, सेकंड वाला दे रखा है अभिक्स वाइज, और थर्ड वाला दे रखा है आपको मालती, एंड फोर्थ वाला दे रखा है मालतीज हस्बैंड। तो घड़ी की ओर बार बार कौन देख रहा था, मालती, ठीक है, क्योंकि अभिक आने वाला था। तो जो सी वाला ऑप्शन है आपका मालती वाला राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोकेबलरी का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए देखिए पहले, कॉलम ए दे रखे और कॉलम बी, दोनों ए बी दे रखा है हमें, तो सही वाला हमें नंबर डालना है, ठीक है। तो आप कॉपी में लिखोगे तो सही के सामने क्या लिखोगे, सही लिखोगे। देखो फर्स्ट नंबर का सन, फर्स्ट वाला दे रखा है सन, तो सन का क्या आ जाएगा, राइज आ जाएगा, क्योंकि सन सूर्य क्या है, उगता है, तो क्या आ जाएगा, राइज फर्स्ट वाला। सेकेंड देखिए वुड, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी, तो वुड का क्या हो जाएगा, कटर, वुड कटर, ठीक है, लकड़ी को काटने का तो कटर बोलते हैं, तो ये वुड कटर हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए हिल, हिल मतलब पहाड़ी होता है, तो क्या हो जाएगा, टॉप, पहाड़ी कहाँ पर रहती है, टॉप मतलब ऊपर रहती है, ठीक है। अब सी वाला, सॉरी फोर वाला देखिए लॉन्ग, लॉन्ग यानी क्या होता है, लंबा, तो फोर वाला क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा आपका। फिर फाइव नंबर का देखिए मेरिटेरियस, तो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट है, तो फाइव वाला में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। देखिए वोकेबलरी का जो मैच द कॉलम वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए आप, अब फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन, कुड और मैनी, देयर नेगेटिव्स एंड रिक्वायर्ड सर्टेन केसेस। अब हमें क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब जो ब्लैंक प्लेसेस दे रखी है उस पर हमें फिलअप करना है। क्या क्या फिल कर सकते हैं, कैन, कुड और मैं, ये थ्री वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से हमें सूटेबल, जो मतलब सूटेबल लगे वो हमें फिल करना है, और नेगेटिव जो रिक्वायर्ड है उन केसेस में, ठीक है, नेगेटिव केसेस भी इसमें रिक्वायर्ड होंगे, मतलब नोट भी लगेगा। देखिए अब फर्स्ट नंबर का, पापा फिल इन द ब्लैंक्स, आई टेक द मैगजीन सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब वो बोल रहे हैं, स्टूडेंट बोलता है, सॉरी बच्चा बोलता है कि मैं ये मैगजीन न्यूज़पेपर ले लूँ, तो उसके लिए क्या आएगा, कैन, पूछने के लिए वो पूछ रहा है तो ले सकता हूँ, तो उसके लिए क्या आएगा, कैन यूज़ होगा, ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, कैन आ जाएगा। अब सेकंड नंबर का देखिए, दिस इज़ ए स्ट्रिक्टली प्राइवेट प्लेस, ये क्या है, एक प्राइवेट प्लेस है, यू फिल इन द ब्लैंक्स कैन टेक फोटोग्राफ्स, और तुम यहाँ फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते, तो क्या आ जाएगा, कैन नॉट आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वो मना कर रहा है ना, क्योंकि वहाँ एक वो क्या है, एक प्राइवेट प्लेस है, स्ट्रिक्टली मतलब वहाँ पर बिल्कुल सख्त मना है, तो वहाँ पर क्या फ़ोटो लेना बिल्कुल ही मना है, तो क्या आ जाएगा, कैन नॉट आ जाएगा, कि वो वहाँ पर फोटो नहीं ले सकते। अब देखिए थर्ड नंबर का, विक्रम टू अ फ्रेंड, विक्रम कौन है, दोस्त है, तो बोल रहा है यू फिल इन द ब्लैंक्स कैन कीप दिस पेन आई हैव अदर्स, क्या तुम मुझे ये पेन, वो बोल रहा है कि क्या ये मैं पेन रख सकता हूँ और मैं तुम्हें कुछ अदर दे दूँ इसके बदले, तो वो क्या है, कैन यूज होगा इसमें, ठीक है। अब फोर वाला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स वी लीव अवर बैग्स एट द रिसेप्शन, यस यू फिल इन द ब्लैंक्स, अब वो बोल रहा है कि क्या मैं अपना बैग रिसेप्शनिस्ट मतलब वहाँ पे छोड़ सकता हूँ, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, मैं यूज़ होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं।
अब देखिए आप फाइव नंबर का, ऑन सैटरडे, सैटरडे मतलब शनिवार का जब दिन था, तो वी फिल द ब्लैंक्स गो टू द स्कूल इन अ इनफॉर्मल ड्रेस, तो हम इनफॉर्मल ड्रेस में आ सकते स्कूल, तो उसके लिए मैं, वो पूछ रहा है तो मैं आ जाएगा। फिर सिक्स वाला देखिए, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ शी फिल द ब्लैंक्स यूज़ माई कैमरा, मेरे फ्रेंड कह रहे कि तुम अपना कैमरा यूज़ कर सकते हो, तो इसमें मैं आ जाएगा। फिर देखिए सेवन नंबर का, यू फिल इन द ब्लैंक्स यूज कैलकुलेटर्स बट नॉट सेल फोन्स, इन फैक्ट यू फिल इन द ब्लैंक्स कैरी सेल फोन्स इन टू द एग्जामिनेशन हॉल। अब क्या हम सेल फोन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं और क्या सेल फोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं यूज़ होगा। और ये एक फैक्ट है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम कैलकुलेटर तो यूज़ कर सकते हैं बट सेल फोन यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें भी क्या होगा, मैं यूज़ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए आपका कंप्लीट हुआ आज की क्लास में। आज की क्लास में हमारा जो इंग्लिश में फाइव नंबर का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।